परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। अक्सर हम 23 पद से पढ़ते हैं और वहीं से प्रभु मेज में चले जाते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे। कोई है मेरे लिए पढ़ने के? तुम मेरी सी चाल चलो। हाँ, पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आगे, हे भाइयों, हाँ, मैं तुम्हें सराहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब जब पौलुस भैया ने भाइयों बोला है, उसमें बहनें सीमित हैं, अंदर हैं, छुपी हुई हैं, शामिल हैं। बहनों के लिए अलग से कोई आदेश अगर आया है तो वचन साफ बोलता है, लेकिन अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब भाई और बहन दोनों के लिए। तो ध्यान से सुनिए क्या कहता है प्रभु। हाँ, पढ़ी कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे याद करते हो। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में अक्सर आता और जाता था, इसलिए पौलुस के कलीसिया पौलुस को बहुत अच्छी तरीके से याद करती है, बार बार उसे बुलाती है और बातचीत करती है और अपनी समस्याओं को भी शेयर करती है। तो पढ़ी आगे क्या लिखा है, जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें क्या करो, उन्हें धारण करते रहो। व्यवहार, बहुत सारे कामकाज, कौन सी चीजें, बहुत सारी बातें, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, वो करना है, इसी को बोलते हैं बहुत सारे व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं, उनको क्या करो अपने जीवन में। जब जब मैं आया तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया, जब जब मैं आता हूं मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं, और जो मैं तुम्हें सिखाता हूं उसको क्या केवल कान से सुनो मत, परंतु उसे धारण करो। बहुत सी दफा हम क्या करते हैं, केवल कान से सुनते हैं, और खुदा ने हमको बाय चांस दो कान दिए हैं, एक से सुनते हैं दूसरे से बाईपास करते हैं ना। लेकिन दो कान प्रभु ने आपको इसलिए नहीं दिए कि एक से पास करें और एक से सुने, दोनों कान से सुने और अंदर लें, ये है। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब देखिए, उन व्यवहारों को जो प्रभु हमसे चाहता है, उस मेज से पहले तैयारी, और तैयारी के साथ मेज पर आना। इस शहर का कोई अधिकारी कलेक्टर आपको भोजन पे बुलाए, आप एमए चले जाएंगे? हाँ जी, बिना डीओ लगा, डीओ और कपड़े भी बिल्कुल टंच, सूटेड बूटेड, क्यों? किसी अधिकारी ने भोज पे बुलाया। पर मैं यहां आपके कपड़ों की बात नहीं कर रहा। जब आप प्रभु की मेज पर आ रहे हैं तो प्रभु आपके कपड़े नहीं देखेगा, प्रभु मनों का जांचने वाला है। आपका मन कैसा है? आप पवित्र जीवन जी के प्रभु के पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? मेज पे जाने से पहले आप क्या करते हैं? किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले आप सबसे पहले नहाते हैं, यस और नो? है ना, भले अब सुबह नहाए हो, लेकिन अगर शाम को किसी पार्टी में जाना है तो बात तो जरूरी, नहीं तो लोग बोलेंगे यार ऐसे उठ के आ गया शादी ब्याह में। नंबर दो, वस्त्र भी वो निकालेंगे जो सबसे अच्छे हो। इसी प्रकार से जब हम प्रभु की मेज पर आ रहे हैं तो आज हमारी तैयारी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। मां के मारवाड़ी में कहावत है, खायोड़ा का गाल और नायोड़ा का बाल बताता है कि ये ना क्या है, यूं ही उठ के नहीं आना है, तैयारी के साथ आना है। और हमारी जो तैयारी है, आत्मिक तैयारी, उस मेज पर आने से पहले तैयारी होना चाहिए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, तुम कुछ बातें और जानो, तुम बातों को जानो, समझो, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को समझो। आगे, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सर कौन है? आपका सर कौन है पुरुषों का?
मसीह है। अच्छा जी आगे बढ़ो। और स्त्री का सर, और स्त्री का सर कौन है? समझ में आ रहा क्या? स्त्री का सर कौन है? पुरुष है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। और यीशु मसीह का सर कोई है? वह है परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? सीढ़ियां हैं, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, ठीक है। कोई भी, अब परमेश्वर के ऊपर तो कोई बैठ ही नहीं सकता, इसलिए भाइयों के ऊपर मसीह बैठा है, आपके ऊपर आपका पति बैठा हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए उसको आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे पढ़िए। जो पुरुष सर ढाके हुए प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। वो अपने सिर का क्या करता है? इसलिए कोई भी पुरुष टोपी लगाकर प्रभु भोज ना ले, सर पे कपड़ा ढाक कर प्रभु मेज में शामिल ना हो, प्रचार ना करें। यह वचन सिखाता है, ठीक है। आगे अपन चलेंगे कि पुरुष को किस स्थिति में सर ढाकना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आगे लिखा है कि पुरुष सर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है या प्रार्थना करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। अपने सिर पर, पुरुष का सर कौन है? मसीह। तो वो अपने मसीह का क्या करता है? अपमान करता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु जो स्त्री उगाड़े सर प्रार्थना, उगाड़े माथे आराधना करती है या भविष्यवाणी करती है या आराधना करती है, कराती है, बाजा बजाती है, गाना बजाती है, गिटार बजाती है, कैसे? उगाड़े माथे। कैसे? उगाड़े माथे। उगाड़े माथे जो आराधना करती है, कराती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। वो अपने सर का, आपका सर कौन है? लोग क्या बोलेंगे? देखो फलाने की बीवी को इतनी भी अकल नहीं है कि सर तो ढांक कर प्रार्थना करना चाहिए, तो बदनामी किसकी हो रही है? आपके पति की बदनामी हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक औरत गांव में रहने वाली है, ठीक है, गांव में रहती है। अब ध्यान से इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बस में यात्रा कर रही है, मान लीजिए अजमेर से नसीराबाद पहुंची, आजू बाजू के किसी गांव में रहने वाली है, लेकिन बस में कैसे बैठी हुई है? उगाड़े माथे आराम से बैठी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कई जगह पर देखा कि बस स्टैंड पर उतरते ही इतना बड़ा, जबकि गांव तो अभी 5 किलोमीटर दूर है। कहां है? बस से उतरते ही घूंघट। क्यों? उसे पता है मैं उस धरती पर पांव रख चुकी हूं या रखने वाली हूं जो मेरा ससुराल पक्ष है। आप जब कलीसिया में आती हैं, कलीसिया में अंदर आने के बाद बैग खोलती है, चुन्नी निकालती है, चुन्नी क्या बोलते उसको, स्कार्फ निकालती है, स्टॉल निकालती है, फिर ओढ़ती है, बाहर से क्यों नहीं करके आती? अंदर तो कौन बैठा है? परमेश्वर के भवन में एंटर होने से पहले हमारी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन मैंने अक्सर देखा बहनों को, हाँ, पहले कुर्सी ले लेंगी, कुर्सी में बैठ, पर पाछे बैग खोली, उन निकालियो और बांधे भी तो अड्डे बांधे, अंडे बांधे, अंडे कटे बांधे, हाँ पाछे बांधे,
पूरो ही दिखे है। क्या मतलब है उसका मुझे बताओ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आज फंस गए आप, पुरुष भी फंस गए, बहनें भी फंस गई। वचन कहता है कि जो स्त्री उघाड़े माथे आराधना कराती, भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, और क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर, मुंडी हो जाना चाहिए उसको। मुंडी का मतलब समझते हैं, गंजी। आपको पता है अगर आप नहीं मानोगे तो खुदा गंजा कर देगा तुमको। अब कहां लिखा है मैं बताता हूं, चलो चलिए यशायाह नबी की किताब 3 अध्याय और उसके 16 पद में जाएंगे। यहोवा ने यह भी कहा है, खुदावंद ने यह कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां, कौन सी स्त्रियां? सड़क पे चलती स्त्री से उसको कोई लेना देना नहीं है। सियोन की स्त्री यानी कलीसिया में आने वाली बहनों से संबोधित कर रहा है खुदा का कलाम। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? उनसे नहीं बात कर रहा है जो सड़क पे जा रही है, जो सियोन की स्त्रियां हैं, जो कलीसिया में आ रही हैं, सियोन की बेटियां हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, जो परमेश्वर के मिस्र से निकलकर सियोन की ओर, कनान की ओर जा रही हैं, उनसे बात कर रहा है ना? तो क्या कह रहा है भाई, जरा पढ़ो। सियोन की स्त्रियां, स्त्रियां घमंड करती, क्या करती है? मेरा पति बहुत बड़ा ओहदे वाला है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा है, घमंड है। स्त्रियां घमंड करती है और सिर ऊंचे किए, सिर ऊंचा किए आंखें मटकाती। क्या आंखें कैसे मटकाते, मेरे समझ में नहीं आता, वो तो आपको ज्यादा पता है जी। बाइबल में लिखा है नैन से सहन मत कर। आंख से कोई इशारा, आंख से किया हुआ इशारा हमेशा गलत होता, ध्यान रखना। ऐसा वाला इशारा बिल्कुल प्रभु को पसंद है ना, आंखों से इशारा करते हैं। क्या है ये? चलिए चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, और घुंघरुओं को छमछमाती हुई, घुंघरुओं को, घुंघरू तो आजकल बनते नहीं, वो पाजे छमक छमक छमक। अच्छा एक बात बताओ, रात के समय में ये चमक चमक आवाज आए तो धीरज भाई बताओ, चमक चमक क्या लग जाएगा भाई साहब? रात को घुंघरुओं की आवाज आती है, छत पे सड़क के पास से निकलते तो चमक चमक। ऐसा काम क्यों करना रे, दूसरा डर जाए। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठुमक ठुमक कर चलती है, ठुमक कर चलना बुरा नहीं है, लेकिन ठुमक ठुमक कर चलना, अदाएं स्टाइल मारना, मारो मारो। जो ठुमक ठुमक कर चलती हैं, आगे क्या होगा देखे जरा। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को, उनकी चाल बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना। और चल ठुमक ठुमक कर जी। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो और उसकी एड़ी ऐसे हो, दिख रही आप, तो आप भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब इसका थोड़ा पंजा टिकता, एड़ी नहीं टिकती है, ये बीमारी इसको। और बाजार में जब बच्चियां सैंडल खरीदने जाती है, थोड़ी और दिखाना थी, इतनी तो है, और ऊंची चाहिए, कितनी चाहिए रे भाई, पेंसिल ही।
जितनी ऊंची हो जाए क्या करेगी ऊंची बन के, किसको दिखाएगी कि तुम मैं लंबी हूं। और फिर पेंसिल हील पहन के जो चलते हैं तो उनकी कमर नसों में दर्द हो रहा, तो होगा ना भाई, जब नेचुरल को तूने अननेचुरल कर दिया या प्रकृति के खिलाफ चल रहा है तू। याद रखना, अगर आपने स्त्री योनि में जन्म लिया तो आप स्त्री ही बने रहना, पुरुष बनने की जरूरत मत करना। पुरुष योनि में अगर आपने जन्म लिया आप पुरुष बने रहना, स्त्रियां बनने की कोशिश मत करो। स्त्री पुरुष ना बने, पुरुष स्त्री ना बने, पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने और स्त्री पुरुष के कपड़े ना पहने। कुछ लोग मेरे पास आते बुर्की पहन के, यहां मैंने बोला मैं लड़कियों को नहीं पहनने देता हूं, तू लड़का होके पहन के आया। आजकल बड़ा व्यवहार गड़बड़ चल रहा है, दो लड़के आके बोलते हैं हम दोनों शादी करना चाहते हैं, दो लड़कियां आके बोलती हैं हम दोनों शादी करना चाहते हैं। परमेश्वर ने शादी के लिए अदन की वाटिका में एक और आदम नहीं बनाया था है जी। पादरी साहब थोड़ा साथ दे दो, नहीं तो वहीं पे बना देता एक और भाई, बोलो दोनों साथ रहो। तो दो पुरुषों की शादी बिब्लिकल नहीं है, दो लड़कियों की शादी बिब्लिकल नहीं है, वचन के मुताबिक सही नहीं है। संसार क्या कर रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक बात से मतलब रखना है, सियोन की बेटी को एक बात से मतलब रखना है, वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कहता है, मेरा वचन प्रभु ने जो मुझे दिया है वो वचन क्या कहता है, क्या वचन मुझे इसकी इजाजत देता है, क्या वचन मुझे इस बात को करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर नहीं देता है तो उस काम को ना तो खुद करो ना उन ऐसे गंदे कामों में शामिल हो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है इसलिए प्रभु यहोवा उनको उनके सिर को गंजा करेगा जो ठुमक ठुमक के चलती है, नाना प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व है। परमेश्वर का वचन कहता है उनके सर को मैं क्या करूंगा, कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। आपको पता है एक बीमारी है दुनिया में जिसको कैंसर बोलते हैं, कैंसर का इलाज करते करते क्या उड़ जाता है और काई हो जावे, चोरा चोरी भी गंजो हो जावे, छोरो भी गंजो हो जावे, कुड़ करे और कर। वचन कहता है मैं सर को क्या करूंगा, गंजा करूंगा और उनके तन को क्या करवा दूंगा, उगड़वा दूंगा। चलिए चलिए आगे बढ़िए, अभी तो लिया शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ है आगे बढ़ी। उस समय परमेश्वर प्रभु घुंघरुओं तुम्हारे घुंघरुओं को जालियों तुम्हारी जालियों को जो तुम उसमें लगाते हो ना जूड़े पे, जाली कहां लगाते हैं, वो आगे पढ़ो। चंद्रहारों झुमका पता ही है आपको तो, झुमका आगे कड़ों कड़ा घूंघटों घूंघट और पगड़ियों पगड़ियों पैकरियों पता नहीं, मैं तो कभी इनको पैकरियों क्या होता मुझे पता भी नहीं है, पर होगा कुछ ना कुछ पुराना कोई आभूषण है। चलिए आगे क्या लिखा है, पटुकों सुगंध पात्रों डियो परफ्यूम घरों बाहर निकलवा पहले एक बोतल ना साल भर चलावे कंपनी कहीं कह रही लावे को ना तो
समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी, सुगंध पात्रों और गंडों अंगूठियों नथों सुंदर वस्त्रों। नथ क्या होता है? हमारे नाक में नथ कर मिली, नथ डाल दियो। गांव में अगर आप जाओ तो बैल के नाक में नथ डालते हैं, मतलब रस्सी डालते हैं उसके, ताकि वो कंट्रोल में रहे। तुम वैसे ही कंट्रोल हो जाओ ना, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, इसके बिना नहीं हो सकते। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, अभी तो और आगे बढ़ेंगे। सुंदर वस्त्रों, सुंदर सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों चद्दरों, चद्दर बटुओं बटुए, दर्पण मलमल के वस्त्रों, मलमल के वस्त्र, बुंदियों क्या होता है? आ छोटी छोटी आजी आगे, दुपट्टे, इन सबों की शोभा को मैं क्या करूंगा? ये आप अपनी शोभा बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन तुम्हारे जीवन से मैं इन सब चीजों को दूर कर दूंगा, तुम्हें इनसे नफरत होने लगेगी। अभी तो लगाव है ना बहुत इनसे, क्या है अभी बहुत लगाव है, पैसा सब कुछ छोड़ सकती हूँ, इसको नहीं छोड़ सकती। चंदर हार और चैन काई, सोने की चैन, लोहे की पहन ले, टूटेगी ना, और चोर भी नहीं ले जाए, गारंटी मारी। पक्की गारंटी, चोर आए को ना, है जी, पर सोने की पहनोगे तो आएगा। हालेलुया, चलिए आगे बढ़िए बेटा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुगंध के बदले तुम्हारे जीवन में मैं क्या भर दूंगा? सड़ाहट भर दूंगा। तुम जितना अपने जीवन को संवारते समझाते हो, सुगंध के अल्लाह के बिना रह नहीं सकते। ओ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन को सड़ाहट में बदल दूंगा। इतनी बदबू आएगी कि लोग आपके पास नहीं खड़े हो पाएंगे। मसीह की खुशबू बनो, अरोमा ऑफ क्राइस्ट, आमेन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुंदर करघनी के बदले बंधन की रस्सी आएगी। गुंधे हुए बालों के बदले नाना प्रकार के बालों की स्टाइल, आजकल बड़ी स्टाइल चलती है। अजी स्त्रियों की क्या बात करें, पुरुषों में आजकल बहुत ज्यादा स्टाइल, कटोरा कट, मशरूम कट, वो एक सड़क का कट भी था आज, हाँ पता नहीं क्या क्या। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? गंजापन, क्या दूंगा इन सब बातों के बाद, तुम्हारी लाइफ में गंजापन आ जाएगा। और सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। सुंदरता के बदले तुम्हारे जीवन में दाग ही दाग होंगे। परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर अंदर से सजावट चाहता है, मन की सजावट चाहता है। जब हम उसकी मेज पर आए, इन चीजों से सच के ना आए, आत्मा के फल, प्रेम, मेल, धीरज, क्षमा, प्यार, ये होने चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि तू कितना तोला सोना पहन के प्रभु की मेज पर आई है। दुनिया का राजा, दुनिया के लोग देख सकते हैं तू शादी में आई ऐसे आ गई, कुछ पहन के नहीं आई रे, पहन के आती तो कम से कम जो चोर घूम रहे उनको कुछ तो मौका मिलता। हाँ जी, अक्सर आप देखो शादी ब्याह में नोट गायब होते हैं, चीजें गायब होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? वापस उधर आएंगे बेटे, वापस पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में आएंगे, आगे आगे जहां से छोड़ा था वहां पढ़ेंगे। यदि स्त्री ओढ़ना नहीं चाहे तो बाल भी कटा ले, तो क्या कर ले? उसके लिए उपाय है,
दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, है? बहुत कुछ हो रहा है ना दुनिया में, लेकिन दुनिया के साथ हम बह नहीं सकते। दुनिया जिधर बह रही है हम उसके विपरीत बहेंगे और वचन के सिद्धांत के अनुसार बहेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? यदि स्त्री के लिए बाल कटाना मुंडाना लज्जा की बात है। ए, कैसे गंजे हो जाऊं भाई साहब, बाल तो मेरी शोभा है, तो ओढ़ के रख। क्या पड़ोसी को बोलो ओढ़ के रखो, सर ढक के रखो, क्या दिक्कत है? सिर्फ भवन में आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मालूम है, शादी में आए हैं सब, शादी में ओढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों, शादी में खुदा नहीं है? वहां अलग अलग पार्ट है। जब एक स्पिरिचुअल पार्ट है, जब शादी बढ़ी जा रही है, वचन में लिखा हुआ है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं आ जाता हूं। आता है कि नहीं आता है? अगर वो आता है तो तुम उसकी अवहेलना कैसे कर सकते हो? शादी ब्याह में दो पार्ट है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, एक खाने पीने का पार्ट है। जब खाने पीने का पार्ट है, आप उगाड़े माथे खाओ, घूंघट काट के खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वचन हो रहा है, आराधना हो रहा है, सर ढाक कर ही बैठना, ये आपकी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारी आशीषें प्रभु कनान में लेके खड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? सुन रहे हो आप मेरी बात? बहुत सारी आशीषें लेके प्रभु कनान में खड़ा हुआ है। और हम कहां जा रहे हैं? कनान के यात्री हैं, हम सियोन के यात्री हैं, और जाते ही वो आशीष हमको मिलने वाली है। लेकिन अगर हम सही रीति से नहीं चलेंगे, बहुत सारी आशीष हमने पाई है, हमने मिस्र से निकले तो बहुत सारे आश्चर्यकर्म आशीष हमने पाई। अभी हम मध्य में हैं, कहां हैं? अभी हम होरे पर्वत पर हैं, यूं समझ लीजिए। होरेब, मिस्र से होरेब का सफर और होरेब से कनान का सफर, ये दो भागों में बटा हुआ है। तो बाइबल में वो आशीषें जो हमने पाई हैं और जो हमें हम पाने जा रहे हैं, अगर हमने कहीं कोताही बरत दी तो वो जो मिली है ना, वो भी जाएंगी, और जो मिलने वाली है उनसे भी महरूम रह जाएंगे। और आपके हालात ऐसे हो जाएंगे, ना बंदा इधर का रहा ना बंदा उधर का रहा। इसलिए मैं जो सिखाता हूं ना, जो बात मुझे प्रभु से पहुंचती है वो ही पहुंचाता हूं। समझ में आए ना? मुझे इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज भी कुछ बहने नाराज होकर के चली जाएंगी, जी ये तो ओढ़ने के लिए बोलते हैं, ये तो ये मत करो वो मत करो, बहुत ही ज्यादा है इस कलीसिया में तो बारे परेशान हो चुके रे भाई। परेशान हो गए तो जा भाई, जिधर तेरी खुजली मिटावे कोई तो तू उधर जा। यहां वो चलेगा जो वचन कहता है, क्योंकि इस कलीसिया का निर्माता कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर है। और हम चाहते हैं कि अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे। हालेलुया। मुंडाना लज्जा की बात हो तो ओढ़नी को ओढ़ ले, और हाँ पुरुष को अपना सिर ढाक, पुरुष को अपना सर ढाकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप हाँ? और महिमा है। आगे, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, पुरुष की महिमा है। आगे बेटा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई, परंतु स्त्री पुरुष से बनी है। हालेलुया। हाँ, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया है, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आप किसी की पत्नी हैं, आप उसके लिए सिरजी गई हैं, उसके लिए बनाई गई हैं। और आगे पढ़ो, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि वो अपने कि अधिकार अपने सिर पर रखे, अधिकार अपने क्या करे, सिर पर रखे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता जैसे हम पक्षपात करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष, ना तो स्त्री को बिना पुरुष, और ना पुरुष बिना स्त्री के है, सबके लिए परमेश्वर ने जोड़ा बनाया। आमेन।
और जो लाइन में है उनके लिए भी है। लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, असमान जुए में अगर जुतोगे तो परिणाम खतरनाक होंगे। पढ़िए आगे, पढ़िए। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, हाँ? वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, और परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। सब वस्तुएं किससे हैं? सबका निर्माता कौन है? परमेश्वर है। आगे, तुम आप ही विचार करो क्या स्त्री को उघाड़े सर, क्या स्त्री को उघाड़े सर आराधना करना सोता है क्या अच्छा है? आप भी बोलेंगे नहीं। आगे, क्या स्वाभाविक रीति से भी, हाँ? तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे, हाँ? तो उसके लिए अपमान है। लंबे बाल रखते हैं पुरुष, पोनी बोनी बोनी बन बन पता नहीं क्या। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे, यदि स्त्री लंबे बाल रखती है तो उसके लिए शोभा है। उसके बाल ही उसके क्या है? शोभा है। हैं जी, कुछ लड़के तो लड़कियों से पूछते हैं बाल कितने लंबे हैं, क्या करेगा लंबे बाल का तू बता, कमर तक है। क्या करेगा? मेरी पत्नी के तो इतने थे से। क्या करना है, क्या चाहते हो? हाजी, लंबे बाल नहीं है इसलिए रिजेक्शन भी होता है। हाजी, कम बाल हो वो तो रिजेक्शन का कारण हो सकता है, लेकिन लंबे नहीं है वो भी एक रिजेक्शन का कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाल उसको गाय के लिए दिए गए हैं। अब इसका अर्थ गलत लगा रखा है लोगों ने, बाल ही ओढ़नी है। एक कलीसिया ऐसी भी है जो बोलती है बाल ही ओढ़नी है, ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओ मेरे भाई, तू कहां है, कौन सी दुनिया में आया? इतना सब कुछ सिखा दिया उसके बाद भी तेरे समझ में नहीं आई, भेजे में नहीं आई। चलिए आगे पढ़िए। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, यदि विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति, परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति नहीं है। कलीसिया के कुछ नियम है, विधान है, विधियां हैं। प्रभु ने सेवा के कुछ नियम दिए हैं, उन सेवाओं के नियम के अंतर्गत प्रभु के दासों को सेवा करना है। आमेन। चलिए आगे बढ़िए। परंतु हमें आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। कुरिन्थियों की कलीसिया को वो कह रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो वो सराहने का नहीं है, अप्रिशिएट नहीं कर सकता मैं तुम्हें। आगे, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने पर क्या होता है? भलाई नहीं होती परंतु हानि होती है। जब भी कलीसिया इकट्ठी होती है टंटा होता है, क्या होता है? अच्छी कलीसिया की बात छोड़ो, आप तो अपने खानदान की बात करो। अपने खानदान में सब लोग इकट्ठे होते हैं, डर क्या सताता है? जमाई जी नहीं रूठ जावे, पुपा जी नहीं रूठ जावे, ये दो खतरनाक जीव है। नाराज नहीं हो जावे, खानदान ने इकट्ठो कर वो काल जो चावे बड़ो लंबो छोड़ो। क्योंकि आई तो पानी के लिए नहीं पूछा, बैठने को मोड़ा नहीं दिया। हाँ जी, कई प्रॉब्लम्स। जैसे ही खानदान इकट्ठा होता है टंटा शुरू हो जाता है, करके देख लो आप, और नहीं तो आप तो अनुभवी हो गए। आपने जब जब इकट्ठा किया होगा लोगों को, कोई ना कोई रूस के इधर जा रहा, उधर जा रहा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब कलीसिया में भी लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लेकिन होने के बजाय क्या होता मालूम है? जब भी हम इकट्ठे होते हैं महिमा के लिए होना है, अच्छे के लिए होना है, भलाई के लिए होना है, लेकिन होते ही इकट्ठे होते ही टंटा शुरू हो जाता है। अच्छा, इकट्ठे होते टंटा क्यों शुरू होता है, जरा आगे पढ़ेंगे।
क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ, पहले मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। तुम में क्या होती है? विधर्म है, फूट है। और आगे लिखा है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। मैं कुछ कुछ सुनता हूँ और मेरे को विश्वास भी हो गया है, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो ऐसा पाता भी हूँ। आगे, क्योंकि दलबंदी भी तुम में, दलबंदी ये सबसे खतरनाक बीमारी है, कलीसिया को खा रही है। कौन सी बंदी? हाँ, दल बनाते हैं, अंदर ही अंदर ग्रुप बनाते हैं, फिर पादरी को चीलते हैं, साफ करते हैं। विधर्म भी तुम में पाया जाता है, दलबंदी बनाते हैं, ग्रुप लीजम में फंस जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और अपना दल मजबूत करते हैं। कलीसिया को सबसे भारी नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। पौलुस कहता है इनसे सावधान रहो। आगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं, जो लोग तुम में खरे निकले वे प्रकट हो जाएं, वे प्रकट हो जाएं। और अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ, तो इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, ये प्रभु मेज नहीं है भाई। आगे, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पहले, आजकल वो सिस्टम है ना, बूफे है ना, बूफे ही बोलते हैं ना। हाँ, वही आदमी खाना बनाता है 500 लोगों का, 300 लोग ही उसे चट कर जाते हैं, खाते नहीं है, प्लेट में इतना लेते हैं, खानी दो पूड़ी है लेते 5 है। वेस्टेज ऑफ फूड। हमारे क्या बाप का जा रहा है, बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है। अरे उससे पूछो जिसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर उस खाने को तैयार किया है, पूछो उससे, शायद हो सकता है उसने खर्च लेकर के किया हो, और उसके बाद तुम उस खाने की क्या कर रहे हो, इतना प्लेट भर लेते, बूफे है ना। और फिर खाते कितना है, हैं? थोड़ा सा, और उसके बाद कहां फेंका उसको? क्या ये उचित है? क्या ये अच्छा है? ये कौन, मैं नहीं सिखाऊंगा आपको तो कौन सिखाएगा? कलीसिया भी जब इकट्ठी होती है इस बात का ध्यान रखें, मन की सिधाई से भोजन कर देते, ऐसा लिखा है वहां। मन की सिधाई से भोजन करने का अर्थ है पीछे वाले का भी थोड़ा ध्यान कर लो, अगर बच जाएगा तो गरीबों के काम आ जाएगा ना, वेस्ट मत करो। मेरे अजीजों, एक जगह प्रेरितों के काम 6 अध्याय में कलीसिया में 7 सुनाम पुरुषों को खाना बांटने के लिए चुना। अब खाना बांटने के लिए भी सुनाम होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो पक्षपात नहीं करता। सबके लिए खीर बराबर, लेकिन यहां क्या होता मालूम है, जो शारीरिक होते हैं, संसारिक होते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। उसकी वाइफ आई, 2 बोटी ज्यादा ले जा, क्या करा? पक्षपात। घर में भी खाने के अंदर पक्षपात होता है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पर मैंने कई जगह पर देखा बेटों के थाली को और बेटियों की थाली में पक्षपात होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटे को तो चुपड़ी भी और बेटियों को, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बना के यही तो मुझे आश्रम में पहुंचाएगा। बेटा और बहू अपने मां बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं और बेटी वहां से जाकर अपने वृद्धाश्रम से पहुंचाए हुए बेटियां मां को और पिता को अपने घर में लाकर के पालती हैं। और जिसे तुम सूखी खिलाते थे, जिसे तुम क्या करते थे,
सूखी खिलाते थे, बेटे को ज्यादा चिकनी चुपड़ी खिलाते थे। और खिला बेटियों को कहां पहुंचा, बेटियां बेटे और बहू बच्चों मां बाप को कहां पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम में, और बेटियां वहां जाकर उनको वहां से निकाल के लेकर आती हैं, पापा आपके रहने का स्थान ये नहीं है। जिनका जीवन भर आपने पक्षपात किया, जीवन भर आपने उनको तुच्छ जाना, लड़की की लड़के की चाहत में पता नहीं क्या क्या कर दिया, और वही लड़के ने तुम्हें कहां पहुंचाया और लेके कौन आया वहां से निकाल के। ऐसा किसी ने कहा है कि अगर बेटियों को ससुराल जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए तो इस भारत देश में वृद्धाश्रम की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्या बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, रहने दे, तू क्या करेगी डॉक्टर बनके, छोटू को बनाऊंगी मैं तो डॉक्टर, क्योंकि छोटू ही तो पहुंचाएगा मुझे आश्रम। छोटू की जो काले माथे की आएगी वो दोनों मिल गई तो पहुंचाएगी। कलीसिया में पक्षपात नहीं, घर में पक्षपात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आगे पढ़िए। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई तो बेचारा भूखा रह जाता है, और कोई मतवाला हो जाता, कोई है, कोई छक्कर खाकर अपने घर निकल लेता है। देखो बाइबल में क्या लिखा है, खाने के लिए तुम्हारा, आगे लिखा हुआ है शायद पढ़ना, क्या खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, घर नहीं है। मैं आपको पता कितना कम खाता हूँ, कितनों को पता मैं कम खाता हूँ, हाँ दो रोटी भी बहुत मुश्किल से, आजकल दो से भी एक पे आ गया हूँ। भाई साहब आप क्या चिड़िया की तरह खाते हो, बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है बाइबल में, खाने पीने के लिए क्या है तेरा घर है, लेकिन जब तुझे कोई भोज पे बुलाए तो क्या कर, थोड़ा खाके आजा। मैंने इस आयत को अपने जीवन में अपना लिया, मैं जहां भी जाता थोड़ा सा खाता और घर आ जाता, घर आने के बाद अपनी पत्नी को बोलता, मैडम घर में आते ही बहू को या पत्नी को, बेटा खाने में क्या है, अरे बोले पापा आप वहां से तो आ रहे हो, नहीं बेटा वहां तो मैं थोड़ा सा खा के आया, तो थोड़ा सा क्यों खा के आए, नहीं बाइबल में लिखा है खाने पीने के लिए तुम्हारा क्या है, घर है। समझ में आया कि नहीं, घर में जितना मर्जी टटके खाओ लेकिन जब बाहर खाते हो तो सलीके से खाओ। कोई तो बोले हालेलुया, नाराज तो नहीं हो है? कौन सिखाएगा, कौन बताएगा ये सब बातें, आमीन। उसके बाद 23वें पद में पौलुस कहता है, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो तुम्हें पहुंचा देता था। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, और उसके बाद उसने बियारी के बीच से कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरी याद में यही क्या करो। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हम मिलकर दुआ करें। पौलुस को यह बात किसी राजा से नहीं, किसी प्रधानमंत्री से नहीं, किसी मुख्यमंत्री से नहीं, परंतु परमेश्वर से पहुंची है, और परमेश्वर से पहुंची हुई बात को उसने अपने पास नहीं रखा, उसने उस बात को, परमेश्वर के बात को लोगों तक पहुंचा दिया। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है। पौलुस जो बातें कर रहा है यहां पर, और जो बातें उसने ऊपर की हैं, और ये बातें जो पौलुस कर रहा है, ये सब बातें उसे प्रभु बता रहा है कि तू कलीसिया को चिता दे, कलीसिया को समझा दे, कलीसिया को सिखा दे। ये बात
परमेश्वर की है।